प्रिंसेस डायांसी, आपको एक बहुत जरूरी काम पूरा करना है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए। हार्ट डायमंड, अनगिनत सालों से इसकी ऊर्जा की मदद से हम खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन बिता रहे हैं, लेकिन दुख की बात है कि अब वक्त बदल चुका है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस डायमंड की शक्ति खत्म हो जाएगी और उसका चमकना बंद हो जाएगा। लेकिन देखिए ये कितनी खूबसूरती से चमक रहा है। इस बारे में सोचोगे तो आप अपनी चमक भी खो दोगे। देखो, हर वक्त मजाक करना अच्छा नहीं। ओकी डोकी। बस सिर्फ हाँ काफी होगा। हाँ, सच्चाई ये है कि अगर हर डायमंड की ऊर्जा खत्म हो जाती है तो हमारे राज्य का अंत हो जाएगा। बढ़ा चढ़ा कर मत बताओ। बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रहा हूँ। एक नया हार्ट डायमंड बनाने का काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो, प्रिंसेस डायांसी। और बिना समय गवाए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शक्ति का उपयोग करो। ठीक है, मैं करती हूँ, मतलब कोशिश करती हूँ, पर लगता है मुझसे नहीं होगा। प्रिंसेस, ठीक है। बढ़िया, करती रहो। मैंने कहा था ना ये मुझसे नहीं होगा। प्रिंसेस, आप जरूर कामयाब होंगी। आखिरकार ये काम आप ही को तो करना है। बचपन से मेरी अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए आपका शुक्रिया, पर मुझे डर है कि जर्नियस, हमें उसे ढूंढना होगा। जर्नियस? सही सुना। बहुत समय पहले जब मैं सफर पर था, मुझे एक भयानक तबाही का सामना करना पड़ा था। ये विनाशकारी घटना जिस जगह हुई थी उसका नाम था ऑल अर्थ फॉरेस्ट।
जीवन शक्ति कम हो रही है। मेरा अंत नजदीक है। क्या क्या वो फेरी ऑरा? जेर्मियस की वजह से ही आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। क्या हम उसी से मिलने जा रहे हैं? हाँ, जेर्मियस। अगर मैं जेर्मियस से मिलती हूँ तो क्या उसके फेरी ओरा के असर से मैं अपनी असली शक्ति का पता लगाकर हार्ट डायमंड बनाने में कामयाब हो जाऊंगी? जरूर होगी। तुम्हें फेरी ओरा पर भरोसा करना होगा। मैं जाऊंगी। मैं हमेशा से बाहरी दुनिया देखना चाहती थी। आपको इस बात को सीरियसली लेना चाहिए। ओकी डोकी। क्या बोलना है? बस एक हाँ। हाँ। पोकेमोन की दुनिया एक खूबसूरत नजारा, सभी रहस्यमय जीवों का अनोखा घर। जंगल में आसमान में और समंदर में आपको पोकेमोन दुनिया के हर कोने में मिल जाएंगे। लोगों और पोकेमोन का जीवन शुरुआत से ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उनका एक दूसरे के प्रति विश्वास है और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यह है हमारा हीरो एश, जो है पैलेट टाउन से। एश और उसका पार्टनर पिकाचू साथ मिलकर पोकेमोन का मुकाबला करते हैं और उन्हें पकड़ते हैं। एश का अपने दोस्तों के साथ मिलकर पोकेमोन ट्रेनर बनने का सफर जारी है। जब भी वे किसी नए पोकेमोन से मिलते हैं, एक नया और रोमांचक सफर उनका इंतजार कर रहा होता है। कभी हमें पता न हो जाना कहाँ हमको, पर है मजबूत
अपने हौसले, दिल जो कहता है वही करेंगे। सच का। साथ ना छोड़ो तुम निडर, बन कर लड़ो रहना हमको। हम मिलकर जो एक हो जाए तो मंजिल हासिल कर पाए। जीतेंगे लड़ाई, हर एक लड़ाई पोकेमॉन। तुम्हारे लिए और मेरे लिए उम्मीदें हैं, दिल में सपने, जो दोस्तों के साथ मिलकर चलते मंजिल को पाने, आसमां को पाने के लिए। घर से है दूर हम, पर ना हो अकेलापन। हम निडर बहादुर बनेंगे, किस्मत अपनी है ये। हम होंगे हीरो, अपनी दुनिया नहीं बनाए। मैं रहूं जहां तुम हो, हम संग संग रहेंगे भाई। हम होंगे हीरो, बादल डिमांड कर लड़ो एक साथ रहना हमको। हम मिलकर जो एक हो जाए तो मंजिल हासिल कर पाए। जीतेंगे लड़ाई, हर एक लड़ाई पोकेमॉन। मेगा एवोल्यूशन काफी शक्तिशाली है। मेगा एक्शन ट्रेनर, प्लीज आप रक्षक हैं, मेरे भाई का ख्याल रखना। ये तुम क्या कर रही हो? मैंने कितनी बार कहा है ऐसी बकबक मत करो। जरा इस बारे में सोचना ठीक है। पिकाचू, सुनो रायट, तुम मेरे शिकार से दूर रहो। तो चलो देखते हैं शिकार किससे मिलेगा। माफ करना, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। वही रुक जाओ। रुक जाओ, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम खुद को समझते क्या हो? तुम इससे दूर रहो, मुझे डायमंड्स चाहिए जो सिर्फ यही बना सकती है। बहुत जबान चलाती हो मर्लिन, तुम कोई चोरों की रानी नहीं हो, बस एक बड़ बोली हो। वो एक चोर है। ये सही मौका है। पिकाचू, थंडरबोल्ट अटैक करो। यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रोफेसर जेनी को बुलाओ जल्दी। लगता है अब हम सब सेफ हैं। सुनो सर, मुझे बचाने के लिए आप सबका शुक्रिया। तुम्हें बोलना आता है? वाह, ये टेलीपैथी है। तुम बहुत क्यूट हो। हाय, मेरा नाम ऐश है। ऐश। और ये है मेरा पार्टनर पिकाचू। पिकाचू। और मैं हूँ सरीना। सरीना। और बॉनी मेरा नाम है। बॉनी। और मैं हूँ क्लेमेंट। क्लेमेंट। तुम एक पोकेमोन हो, है ना? देखते हैं, यहाँ लिखा है इसे डायन से बुलाते हैं। इसमें डायमंड्स बनाने की शक्ति है, जैसा उस चोर ने कहा था। डायमंड्स? इस वजह से वो तुम्हारे पीछे है। हम यहाँ पिकाचू को चुराने आए हैं। और हमारे सामने है उससे भी बेहतर पोकेमोन। चलो, चांस मिला है तो डांस करते हैं। हाँ, वो लोग चोर है। चोर से तुम्हारा क्या मतलब है? वो दूसरों की चीजें छीनकर भागते हैं, जिसे चोरी कहते हैं। हाँ, वो बहुत बुरे हैं। इसका मतलब चोर बुरे लोग होते हैं जिनसे सावधान रहना होगा। मैंने थोड़े ही समय में कितना कुछ सीख लिया।
डांसी, जरा इसे खा कर देखो। थैंक यू ऐश। ये टेस्टी है। जितने चाहो उतने खाओ, मजे करो। तुम खाने के बहुत शौकीन हो ऐश। हाँ, खाना खाना और अच्छे से सोना, ये है मेरी तंदुरुस्ती का राज। ओके, मैं और लेकर आती हूँ, क्या तुम्हें आना है? हाँ, तुम्हारे साथ आकर मुझे अच्छा लगेगा। कमॉन। वाओ डायांसी, बहुत अच्छे तौर तरीके है, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। तुमने सही कहा। वाह, यहाँ पर कई तरह का खाना है। जो चाहे ले लो। चलो चुराए उसे। पर कैसे? हर रोज करते वैसे। पता है ऐश, डायमंड्स बहुत दुर्लभ, खूबसूरत और कीमती पत्थर होते हैं। इस रूप में आने के लिए उन्हें लाखों साल लग जाते हैं, लाखों। ये बहुत ही मुश्किल काम है और उनकी चमक हमेशा बनी रहती है और इसी वजह से वो इतने कीमती होते हैं। और पढ़ाई खजाने की चाबी। क्या वो टीम रॉकेट थी? वैसे ये आज तक की सबसे आसान चोरी थी। डायांसी हमारे लिए लकी है। तुम तीनों चोर हो, है ना? हम है टीम रॉकेट्स, माटी। चोर वो होते हैं जो दूसरों की चीजें छीनकर भागते हैं, है ना? चोर बुरे लोग होते हैं, इस बारे में मैंने थोड़ी देर पहले ही सीखा। देखो हम थोड़े अलग हैं, हम तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। आपकी सफाई स्कूल में स्वागत है। सच कहूँ तो तुम्हारा ये ऑफर काफी बढ़िया है, लेकिन अभी मुझे जाना है, तो चोरों मैं आपसे विदाई लेती हूँ। क्या इसने विदाई कहा? तुम ऐसे नहीं जा सकती। रुको, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए एक छोटा सा काम कर दो। माफ करना, पर मैंने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया। हमने पता किया कि तुम डायमंड्स बना सकती हो और ये खबर झूठी नहीं है। क्या तुम हमारे लिए थोड़े बना दोगी? और उन्हें मेरी तरह चमका दो। ओह, तो क्या यही है तुम्हारा छोटा सा काम? ऐसी बात है तो मैं इसे खुशी से कर दूंगी। सच कह रही हो? अच्छा फैसला। इसे कहते हैं कोऑपरेशन। पर आप निराश मत होना। हम भला निराश क्यों होंगे? चलो अब डायमंड्स की बरसात कर दो, शुरू हो जाओ। ठीक है। खूबसूरत है। वाओ, इसने जिंदगी भर के लिए हमारे खाने का टेंशन मिटा दिया। मैं जी भर के नूडल्स खा सकूंगा। और मैं डिजर्ट जितना मर्जी चाहे। सुनो, थोड़े और बना लो। जैसा आप चाहें, लेकिन अब मैं खरीदूंगा स्पोर्ट्स कार। और मेरा बंगला बने न्यारा। अमीर बन गए। हाँ, अमीर बन गए। हम बनाएंगे बड़ा सा टीम रॉकेट रिसोर्ट। और बनाओ। चुप रहे हैं, लेकिन खुशी भी हो रही है। देखो वहाँ ऊपर डायांसी, क्या तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू।
जब मैंने उनके लिए डायमंड्स बनाए तब चोरों ने मुझे जाने दिया। तो टीम रॉकेट तुम्हें उठा कर ले गए थे ताकि तुम उनके लिए डायमंड्स बना सको। चलो मुझे खुशी हुई कि तुम ठीक हो। थैंक यू, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अब तक वो चोर अपनी हरकत पर निराश हो गए होंगे। हाँ? हमारे सपने बर्बाद मत करो। मैं अभी भी असली डायमंड्स बनाने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। उन्हें बनाने के बाद वो गायब हो जाते हैं। हाँ, और इसीलिए मैं ज़र्नियस को ढूंढ रही हूँ। ज़र्नियस, एक लेजेंडरी पोकेमॉन। ऐसा कहा जाता है कि ज़र्नियस में जीवन देने की शक्ति है। वाह, मुझे बताया था कि ज़र्नियस की फेरी ओरा मुझे अपनी असली शक्ति को बाहर निकालने में मदद करेगी। मुझे ज़र्नियस को ढूंढना है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम भी एक फेरी टाइप हो। क्या बात है, मुझे ज़र्नियस से मिलकर खुशी होगी। मुझे भी। और मुझे भी। हाँ, मुझे भी। डायांसी, क्या हम सब तुम्हारे साथ चल सकते हैं? तुम्हारे आने से मुझे और खुशी होगी। आप सबको मेरे साथ सफर में आने देना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। हाँ, क्या सच में? बढ़िया, तुम एक प्रिंसेस हो। वाओ, तुम्हारे साथ आकर बहुत मजा आएगा। अगर डायांसी हाथ से निकल गई तो हम उसे फिर कभी नहीं पा सकेंगे। मैरिलिन और रायट वो भी इसके पीछे हैं। मुझे सावधान रहना होगा। हाँ? वो कौन है? उनके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। डायांसी ठीक है डैड। बहुत बढ़िया मिलेस, चॉकलेट खाना चाहोगी? डैड, आप कुछ ज्यादा ही चॉकलेट्स खा रहे हैं। उन्होंने चॉकलेट का नया फ्लेवर बनाया है। मुझे इसके हुएन रीजन से खास डिलीवरी मंगवानी पड़ी। पता है, इस चॉकलेट में जो कोको है वो तुम्हारे लिए अच्छा है। इसमें हर तरह की आपके हेल्थ के बारे में मैं बहुत चिंतित हूँ डैड। बस करो। मुझे पता है तुम हो। डैड, डायांसी, क्या तुम्हें यकीन है हम ज़र्नियस को ढूंढने सही दिशा में जा रहे हैं? बिल्कुल सही। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे सिखाया गया है कि हमेशा सच बोलना चाहिए। तो तुम कैसे जानते हो कि हम सही दिशा में हैं? क्योंकि ज़र्नियस से घिरी हुई फेरी ओरा अपना असर पीछे छोड़ती है और मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। हम वह ज़र्नियस से पक्का मिलेंगे, मुझे पता है। हाँ? मैं ये नहीं कर सकती।
मैंने ऐसा सुना है कि शूटिंग स्टार गायब होने से पहले अगर हम विश मांग ले तो वो पूरी हो जाती है। क्या मेरी विश भी पूरी होगी? हाँ। ओके, मैं कोशिश करूंगी। मैं भी करता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि डायन सी अब तक का सबसे कीमती डायमंड बना सके, जो बहुत ही खूबसूरत और अनोखा हो। मजेदार होता है, खासकर जब दोस्त साथ हों। मैं समझी नहीं, दोस्तों से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब कैसे समझाऊं? दोस्त तो दोस्त होते हैं, है ना? दोस्त वो लोग होते हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं, वो आपके साथ हमेशा खेलते हैं, आप एक दूसरे की मदद करते हैं। दोस्तों का साथ होना अच्छा होता है। हाँ, दोस्त जैसे हम हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं। ठीक है, अगर इसी को दोस्त कहते हैं तो मैं तुम सबको मुझसे दोस्ती करने की इजाजत देती हूँ। तुम तो बिल्कुल प्रिंसेस की तरह बोलती हो। डायन सी, तुम ग्रेट हो। दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ। क्या ये एक? ये तो एक डायमंड है। ये कमाल का है। सुंदर है, लेकिन वो जल्दी गायब हो जाएगा। सॉरी। मुझे पसंद आया, क्या मैं ये रख सकती हूँ प्लीज? हाँ, इसे मेरी तरफ से छोटा तोहफा समझो। ये ऑसम। थैंक यू सो मच, मैं खुश हूँ। जरा बताओ, ये कैसल किस राजा का है? ये कोई कैसल नहीं है, ये एक शॉपिंग मॉल है जहाँ पर लोग शॉपिंग करते हैं। ये शॉपिंग नाम की चीज क्या है? तुम्हें नहीं पता शॉपिंग क्या होती है? नहीं। तो फिर शॉपिंग करते हैं, क्यों ना तुम थोड़ी देर के लिए जर्नियस को भूल जाओ। मुझे समझ आया, मैं शॉपिंग की इजाजत देती हूँ। थैंक यू प्रिंसेस, चलो। मेरे लिए रुको। वो तो चले गए। मौका जो हाथ आया है। ऑसम, बहुत ही क्यूट। इसे तो देखो, ये हैट देखो, अच्छा है ना? ये शूज। चलो। जल्दी करो, सेल में अच्छा क्या मिल रहा है ये देख रहे हैं। ओह, हाँ,
डायंसी इन्होंने मुझे ढूंढ लिया। अच्छा कैच लिया। वो कहाँ चले गए? हाँ देखो वहाँ ऊपर। ओ नहीं, वो पोकेमोन कौन है? जरूर चोरों के दोस्त होंगे। हमें उसे बचाना होगा। सब मुझ पर छोड़ दो, साइंस का कमाल मचाएंगे धमाल। क्लिमॉन्टिक गियर ऑन, चलो। पेश है मेरा सुपर स्ट्रेच लैडर, मिशन ऑन। ऊपर चढ़ो ऐश। ठीक है, क्या रेडी हो? रेडी। मैं तुम्हें चुनता हूँ। डायंसी आ जाओ। पोकेमोन कौन थे? उन्हें काबिंग कहते हैं, एक झूल पोकेमोन। इस तरह उनका शहर में दिखना किसी सरप्राइज से कम नहीं। उन्होंने आखिर मुझे ढूंढ ही लिया। तो वो चोरों के साथ ही थे, सही कहा ना? वो हाँ डायंसी, तो तुम्हें पहली बार शॉपिंग करने में मजा आया? हाँ? ओ, ये तो वही चोर है। चलो अब तुम मेरे साथ चलो। नहीं चलूंगी। तो अब कोई रास्ता नहीं बचा, जाओ डेल फॉक्स। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम लोग जाओ यहाँ से। पीछा करो। फ्रोकी, मैं तुम्हें चुनता हूँ। फ्रोकी, वाटर पल्स, पिकाचू, थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो। फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करो। मैं काफी इम्प्रेस हुई, मजा आएगा। फॉक्स, मुझे एक आईडिया आया। राइहॉर्न, प्लीज हमारी मदद करो। ऊपर चढ़ो। राइहॉर्न, चलो। रुको। तुम्हारी वजह से बच गए। ओके, बाय बाय। मुझे उम्मीद है आज को कुछ नहीं होगा। उसकी चिंता छोड़ो, वो ठीक होगा। मेरी वजह से मैंने आप सबको खतरे में डाल दिया। खुद को मत टोको, दोस्ती एक दूसरे के काम आते हैं। मैं भी अभी यही कहने वाली थी। मेरे दोस्त जल्दी डेने, नज़र इस्तेमाल करो।
कितना मजेदार, मगर सच में बेतुका था। कितने पुराने तरीके से तुमने मेरे ग्रेनिंजा का सामना किया। लगता है खेल में नए हो। मुसीबत रुकने का नाम नहीं ले रही। ये फिर आ गया। ग्रेनिंजा डबल टीम। जैस्पिन, मैं तुम्हें चुनता हूँ। पेनिकिन बाहर आओ। जैस्पिन, पिन मिसाइल, जाओ। पेनिकिन, यूज फ्लेम थ्रोवर। बॉटल शुरिकेन। एश आ गया। तो तुम ठीक हो? डायंसी, भाग जाओ। ठीक है। प्रिंसेस, मेरिक, प्रिंसेस डायंसी, मैं आपकी रक्षा करूंगा। अरे नहीं, ये वो कार्बिंग है। बीच में मत आना, धूल चटाओ। सुनो चेस्नॉट, फिर से पिन मिसाइल यूज करो। वो कौन है? ये वही है जिसने मुझे बचाया था जब टीम रॉकेट ने मुझे चुरा लिया था। तो वो तुम्हारी दोस्त है? डायंसी, जल्दी चलो यहाँ से भाग चले। प्रिंसेस, मेरे पीछे आइए। हाँ, चलो चले। मिलर स्टील, अगर तुम यहाँ हो इसका मतलब आर्गस भी यही होगा। होगा भी या नहीं भी, आप ये जान लो कि हमारा काम है प्रिंसेस की रक्षा करना। तो आप प्रिंसेस के बॉडीगार्ड हैं? हाँ, ये तो कूल है। डायंसी एक असली प्रिंसेस है। जरा हमें भी बताओ तुम कौन हो। दरअसल हम सब, ये सब मेरे दोस्त हैं। सही कहा। हम कई महीनों से उसकी तलाश में भटक रहे हैं। सर्नियस की तलाश? हाँ। मैं फेरी ऑरा को महसूस कर रही हूँ। सर्नियस एक जगह पर कभी नहीं रुकती, इसी कारण उसे ढूंढना काफी मुश्किल होता है। एक दिन मैंने थोड़ी दूरी पर एक शहर देखा, मुझे वहां जाकर घूमना था। मुझे तो वो मजेदार लग रहा था। और वहीं पर हमारी मुलाकात हुई है ना? हम हमेशा से आपके साथ ही थे। मुझे ऐसे लगने लगा कि हमारी मौजूदगी से आप परेशान होंगी। माफ करना, मैं बिना बताए भाग गई। मैं आशा करता हूँ कि आगे से आप ऐसा कभी नहीं करेंगी। नहीं करूँगी। चलो अंदर चले। क्या है? ये डायमंड डोमेन में हमारे घरों में से एक है। पता है, हमारे सभी घर डायमंड रोड द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस
शानदार स्वागत के लिए शुक्रिया। ये क्या हो रहा है? प्रिंसेस डेज, मुझे डर है कि हार्ट डायमंड का जीवन खत्म होने की कगार पर है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ तुम्हें इस हालात को दिखाना था। किन हार्ट डायमंड क्या है, हमें बताओ। अगर हम किसी तरह की मदद कर सकते हैं तो हम जरूर करेंगे। हाँ तो सुनो दोस्तों, हार्ट डायमंड उन सभी ऊर्जा और प्रकाश का अकेला साधन है जो हमारे पूरे राज्य को शक्ति देता है, और अब ये हमारे राज्य को और शक्ति नहीं दे सकेगा। सर, प्रिंसेस डायंसी अकेली है जो एक नया हार्ट डायमंड बना सकती है। पर उसे बनाने के लिए जो शक्ति चाहिए वो अब भी मेरे पास नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि जर्नियस का फेरी ऑरा आपके अंदर की असली शक्ति को जगा देगा। ओह, अब बात समझ में आई। मुझे पता भी नहीं था कि मेरे अपने राज्य में क्या हो रहा था। मैं प्रिंसेस कहलाने के लायक नहीं हूँ। डायंसी अब रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं होने वाला है ना। प्रिंसेस, ने बिल्कुल सही कहा, ये रोने का समय नहीं है। चलो चलकर हम जर्नियस को ढूंढते हैं। हाँ, ये हुई ना बात। प्रिंसेस, प्रिंसेस डायंसी, जंगल के अंदर से फेरी ऑरा को महसूस कर सकती हूँ। तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, जर्नियस। प्रिंसेस, वो ऑल अर्थ फॉरेस्ट है। हाँ? ये ऑल अर्थ फॉरेस्ट क्या है? पता है, बहुत समय पहले वहाँ पर बड़ी तबाही मची थी जिससे सारी जीवित चीजें नष्ट हो गई थी। तब से इस जगह को बंद कर दिया गया है और कोई अंदर नहीं जा सकता। एक और बात है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। हाँ? उस चीज के बारे में जो इस तबाही का कारण बनी। हाँ? इस भयंकर तबाही का कारण तबाही का ही अवतार था, येवेटॉल। तबाही के इतने बीज बोने के बाद येवेटॉल एक विशाल ककून बन गया, और इसी ककून की वजह से कोई ऑल अर्थ फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा सकता। येवेटॉल, लेजेंडरी पोकेमोन जो अपने चारों ओर की हर चीज की जीवन शक्ति को चुरा सकता है। ये भी कहा जाता है कि जो कोई भी तबाही के अवतार की नींद में बाधा डालता है उसे अपनी गलती की कड़ी सजा भुगतनी पड़ती है। तो ये है ऑल अर्थ फॉरेस्ट। यकीन करना मुश्किल है कि पूरा इलाका बर्बाद हुआ था।
कई सालों बाद इस बर्बाद जंगल में जीवन फिर से उभर आया है। कुछ का ये भी कहना है कि जंगल की जीवन शक्ति को जगाने और उसे मजबूत करने के लिए यह विटोल ने जंगल को नष्ट कर दिया। ये मुमकिन है कि इस तरह का विनाश प्रकृति के संतुलन का एक हिस्सा हो सकता है। प्रकृति का संतुलन? इसे एक नियम माना जा सकता है, ऐसा नियम जो जीवन और विनाश को कंट्रोल करता है। हाँ। सुना है इस जंगल में प्रवेश करने से मना किया गया है। मना किया हो या ना हो, डायंस यही कहीं नीचे है और इतना दूर आने के बाद खाली हाथ नहीं जाएंगे। वो देखो सर्नियस, तुम काफी देर से मेरा पीछा कर रही हो। आखिरकार आपसे मिलने का मौका मिल गया। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आई हो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगी। वेरी ऑरा, जीवन को सुंदर बनाने की शक्ति तुम्हारे अपने अंदर ही बसी है। ज़ेनियस, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। प्रिंसेस डायांसी। प्रिंसेस, मैंने भी शक्तिशाली फेरी ऑरा को महसूस किया। ऐसा लगता है जैसे मुझे भी वो शक्ति मिल गई है। तुम अपने राज्य को बचाने में कामयाब होगी। मुझे ये देखना है कि क्या मैं एक हार्ट डायमंड बना सकती हूँ। कोशिश करके देखो। तुम बना सकती हो प्रिंसेस। ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे पास असली डायमंड्स बनाने की शक्ति है। तुम वही हो। पर पहले तुमने हमारी मदद की थी। हाँ की थी, लेकिन अब मैं डायंसी को साथ ले जा रही हूँ। ये क्या हो रहा है? मुझे पता था कि डायंसी ज़ेनियस की खोज में यहाँ आने वाली थी, क्योंकि प्रिंसेस को असली डायमंड्स बनाने के लिए आवश्यक शक्ति में महारत हासिल नहीं थी। बढ़िया। ये कल्पना करना मुश्किल है कि डायंसी डायमंड्स नहीं बनाती। ये ऐसा है जैसे कोको के बिना चॉकलेट बनाओ, एकदम बेकार। वो तो अर्गस्टील है। ये सबसे खतरनाक चोर है और उसकी बेटी मिलिस भी उसका साथ दे रही है। हम तुम्हारे दुख में शामिल हैं, इसलिए अब तुम्हारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। ओके, यूज वाइन विप। हम डायंसी को हमारे साथ ले जा रहे हैं। कौन है? उनका पीछा करो। जस्ट नॉट डायंसी। हमें प्रिंसेस को बचाना ही होगा।
चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे अपने राज्य में वापस जाना है। हाँ? तुम गुस्से में भी अच्छे दिखते हो रायत, मुझे याद करते रहना। रुको। से आ गए। येलो। पर क्यों? क्यों? अब मैं बस ये सब क्या है? मुझे पता नहीं। चलो हमें डायंसी दो। कभी नहीं। तुम्हें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। यहाँ तो चोरों की बारात है। अब क्या करें? यहीं बैठकर पिक्चर का मजा लेते हैं। ऐश, तुम्हें इसी वक्त वहां से बाहर निकलना होगा। तबाही का अवतार। जो कोई भी तबाही के अवतार की नींद में बाधा डालता है उसे अपनी गलती की कड़ी सजा भुगतनी पड़ती है। क्या वो इवेल्टॉल? Right.
डायंसी, क्या तुम ठीक हो? थैंक यू। इस भयानक जंगल से जल्दी बाहर निकलो। नहीं चाहिए डायमंड। इस पिक्चर का क्लाइमेक्स तो डरावना है। वो पोकेमोन कौन है? देखो मेरे डेलफॉक्स की क्या हालत कर दी। राइट, सब खत्म हो गया। हाँ? और डायंसी को भूल जाते हैं। सारी चीपी चीजें फिर से बेजान हो रही है। दोस्तों इस तरह। प्रिंसेस, आप ठीक हो? हवलूचा, बहुत बहुत शुक्रिया। वो ये विटोल की शक्ति को रोक रहा है। आखिरकार मेरी शक्तियाँ अब भी काफी नहीं है। चलो यहाँ से चले। एश, प्लीज प्रिंसेस डायंसी की रक्षा करो। मेरे घर। पकड़े रहो पिकाचू, छोड़ना मत। सबकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। हार मत मानना। अगर हार मान ली तो सब खत्म हो जाएगा। वो सही कह रहा है। हिम्मत जुटाओ डायंसी। हे पिकाचू, क्या तुम ठीक हो? चलो चले। Oh!
जीवन को सुंदर बनाने की शक्ति तुम्हारे अपने अंदर ही बसी है। मैं कभी हार नहीं मानूंगी, कभी नहीं। डायमंड, हमें बचाने के लिए उन दोनों का शुक्रिया। चलो एहसान की कीमत चुकाएं। अब हम सुरक्षित हैं। हाँ, पिकाचू, पिकाचू, क्या बात है? वही असर? चलो पिकाचू वापस आ जाओ, पिकाचू वापस आ जाओ। पिकाचू, पिकाचू, पिकाचू।
प्रिंसेस मेरिक, कैसे हो सब? ये ज़र्नियस की जीवन शक्ति का कमाल है। पेड़ बन रहा है। ज़र्नियस ने इस भूमि में बसने का फैसला किया है प्रकृति के संतुलन की रक्षा के लिए। पर इसका क्या मतलब? ओ नहीं है। देखो, उदास होने की कोई बात नहीं है। ज़र्नियस बोल रही है। पर उसने क्या कहा? देखो, ये अंत नहीं है, ये जीवन का वादा है और एक नए जीवन की शुरुआत है। ये जीवन का वादा है और नए जीवन की शुरुआत। हाँ, ओ अच्छा, मैं समझ गया। शुक्रिया ज़र्नियस। गया था। हमें दूसरा जीवन मिला है। हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। चलो नई शुरुआत करें। अद्भुत है। एश, पिकाचू, सरीना, बॉनी, क्लेमेंट, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुश हूँ कि मैं तुमसे मिला डायंसी। मैं भी हम हमेशा के लिए दोस्त बने रहेंगे। हाँ। ये क्या है? हाँ? मेरा डायमंड, ये गायब नहीं हुआ। खूबसूरत, मतलब ये तुम्हारा पहला बनाया हुआ डायमंड है। और शायद ये हमारी दोस्ती की वजह से हुआ है। हाँ प्रिंसेस, इसे तुम्हारे पास होना चाहिए। हाँ, ये मेरे दिल के पास रहेगा। से है दूर हम
पर ना हो अकेलापन, हम निडर बहादुर बनेंगे, किस्मत अपनी है ये, हम होंगे हीरो। अपनी दुनिया नहीं बनाए, घर हो जहाँ तुम हो, हम संग संग रहेंगे खाए, हम होंगे हीरो। कभी हमें पता न हो जाना कहाँ हमको, पर है मजबूत अपने हौसले, दिल जो कहता है वही करेंगे, सच का। साथ न छोड़ो, तुम निडर बन कर लड़ो, एक साथ रहना हमको, हम मिलकर जो एक हो जाए तो मंजिल हासिल कर पाए, जीतेंगे लड़ाई हर एक लड़ाई, पोकेमोन तुम्हारे लिए और मेरे लिए, उम्मीदें हैं दिल में सपने, जो दोस्तों के साथ मिलकर चलते मंजिल को पाने, आसमां को पाने के लिए, चले हम मस्ताने। पोकेमोन घर से है दूर हम, पर ना हो अकेलापन, हम निडर बहादुर बनेंगे, किस्मत अपनी है ये, हम होंगे हीरो। हम संग संग रहेंगे खाए, हम होंगे हीरो, बादल डिमेंशन पोकेमोन। कभी हमें पता न हो जाना कहाँ हमको, पर है मजबूत अपने हौसले, दिल जो कहता है वही करेंगे, सच का। साथ ना छोड़ो, तुम निडर बन कर लड़ो, एक साथ रहना हमको, हम मिलकर जो एक हो जाए तो मंजिल हाँ।